क्या हाल है? 30 दिन 30 वीडियो चैलेंज की अपनी 8वीं वीडियो है, और यदि आप लोगों ने पहली 7 वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। उन वीडियो में भी आप लोगों को खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स मिलेंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। देखो, पिछले काफ़ी दिनों से कॉमेंट आ रहे थे कि एक बहुत अच्छा फार्मिंग सिमुलेटर गेम लेके आओ, तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज फार्मिंग सिमुलेटर गेम लेके आया हूँ, जिसको खेलते समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सबसे खास बात यह है कि इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही गेम प्ले बिल्कुल स्मूथ है। हर चीज़ जो आपको एक खेती के काम में करते हो वो इस गेम में आप लोगों को करने के लिए मिलने वाली है। फिर चाहे वो आप लोगों के लिए जो अपने खेत हैं तैयार करना हो, लकड़ी काटना हो, झाड़ियों को साफ करना हो, या फिर दूध का काम हो, या फिर सब्जी का काम हो, हर चीज़ आप लोगों को इस सिमुलेटर गेम में मिलेगी। क्या नाम है इस सिमुलेटर गेम का, कितना इसका साइज है, आप इसको फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो या फिर पैसे देने पड़ेंगे, और किस प्रकार के गेम प्लेइंग मोड्स आप लोगों को इसमें मिलते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल वाइज बताने वाला हूं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन लाइक गेम आप लोगों को पता है, 100 लाइक्स आप लोगों को करने हैं, आप करा दोगे कंप्लीट। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, नीचे आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल चलता दिखाई दे रहा होगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गेम की ग्राफिक्स की। तो इस गेम में आप लोगों को अल्ट्रा एचडी क्वालिटी के ग्राफिक्स खेलने के लिए मिलते हैं, जो आप लोगों को खेलते इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। इसके अलावा इस गेम का जो गेम प्ले है बिल्कुल स्मूथ चलता है, लिक्विड फ्लो है, थोड़ा सा भी लैग आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। इस गेम में आप लोगों को बहुत तरह की मशीन्स मिलती हैं जिनका इस्तेमाल आप खेती के लिए कर सकते हो। इनमें कंबाइन, ट्रैक्टर, हैरो और गोड़ी वगैरह हर चीज़ है जो आप खेती के काम में यूज करते हो। इसके अलावा इस गेम में आप लोगों को डेली चैलेंज भी मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ अमाउंट दिया जाता है हर चीज़ का, चाहे फिर दूध का हो या फिर गेहूं का हो, मक्का का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो आप लोगों को कंप्लीट करना होता है टारगेट। उसके बदले में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आप नई नई चीज़ों को परचेज करने के लिए कर सकते हो। देखो, इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इस गेम में आप लोगों को हर वो चीज़ करने को मिल जाती है जो आप खेती के काम में करते हो। बाकी सिमुलेटर गेम्स की तरह नहीं है कि बस नाम तो आप लोगों के लिए यहाँ पर फार्मर सिमुलेटर लिख दिया, लेकिन अंदर आप लोगों को फार्मिंग से रिलेटेड बहुत कम चीज़ें मिलती हों। लेकिन इस गेम के साथ ऐसा नहीं है। सबसे खास बात, इस गेम में जो मैप है काफ़ी बड़ा है, लिमिटेड मैप नहीं है कि थोड़े से दिन के बाद आप बोर फील करने लग जाओगे। इस गेम पर अच्छा खासा वर्क किया गया है, और इसी का रिजल्ट है कि गेम इतना ज़्यादा अच्छा है कि जिसकी उम्मीद मुझे कभी भी नहीं थी। मैंने इस गेम को जब इंस्टॉल किया था तो यही सोच के किया था कि ज़्यादा कुछ तो इस गेम में मुझे खेलने के लिए मिलेगा नहीं, तो जस्ट एक बार ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने गेम को खेला तो खेलते समय मज़ा आया, और इसी कारण मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। वरना आज के लिए मैंने दूसरा गेम सेलेक्ट किया था जो कि बहुत अच्छा गेम है, लेकिन मैंने उसको स्किप किया और सबसे पहले इसी गेम को रिव्यू किया है। इस गेम को आप ज़रूर ट्राई करना। इस गेम के जो कंट्रोल्स हैं काफ़ी आसान है, समझने में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही इस गेम में आप लोगों को डायनामिक वेदर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी होती है गेम के दौरान, जो आप लोगों को काफ़ी मज़ा देगी। इसके अलावा मंडियों में जो आपकी फसल का रेट होता है वो भी हर दिन चेंज होता रहता है। एक न्यूज़पेपर आता है जिसके ज़रिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि आज रेट बदली हो गया है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो हर मशीन की जो साउंड आप लोगों को रियल सुनने को मिल जाती है, जो सबसे प्लस पॉइंट है इस गेम का। इसके अलावा इस गेम में आप लोगों को लकड़ियाँ भी काटनी पड़ती हैं, झाड़ियों को भी साफ करना पड़ता है, और फसल के लिए अपने खेत को भी तैयार करना पड़ता है। टोटल मिलाकर कहूँ गेम बहुत मज़ेदार है, आप इसको खेल लो, बार आप लोगों को मजा आएगा। खेलने के बाद फिर से एक बार वीडियो पर आना और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आप लोगों को गेम कैसा लगा है। तो भाई, पूरा गेम प्ले देखने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि गेम किस क्वालिटी का है। एकदम से स्मूथ गेम प्ले है, हाई ग्राफिक्स है, और जो मशीन आप लोगों को दी गई है वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब जो आवाज़ है उनकी वो काफ़ी रियलिस्टिक मुझे लगी है। इसके अलावा कंट्रोल भी गेम के बहुत अच्छे हैं, तो इस गेम को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को इस गेम का नाम बता देता हूँ। इस गेम का नाम है फार्मिंग प्रो 3। आप इस गेम को गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल करा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को कुछ पैसे देने पड़ेंगे, 520 रुपये के आसपास का ये गेम है, मतलब पेड गेम है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कराओगे तो, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री का लिंक भी दे रहा हूँ जहाँ से आप इसको फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल करा सकते हो। तो यदि आप लोगों ने इस गेम को पहले खेल रखा तो गेम आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, और इस गेम की सबसे खास बात आप लोगों को क्या लगी है।
तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई से आप कहना चाहते हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हम लोगों को बता सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो आप सबको करनी है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में दिख रहे बेल आइकन को दबाना है और ऑल पर भी क्लिक करना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो कल मिलते हैं एक नई गेम रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।